निस्संदेह दुनिया के सबसे लंबे पुल इंजीनियरिंग और डिजाइन के कारनामे हैं। यद्यपि वे तकनीकी रूप से दो साइटों को जोड़ते हैं, पुल लुभावने दृश्यों के साथ पहचानने योग्य स्थलों में विकसित हुए हैं। पुलों से लोगों, वस्तुओं और सेवाओं को इधर उधर ले जाना आसान हो जाता है, जिससे अर्थव्यवस्था को लाभ होता है। इसके अतिरिक्त उनमें से अधिकांश को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम दुनिया के शीर्ष 10 सबसे लंबे पुलों को देखेंगे। दो स्पेन के साथ एक जुड़वा कंक्रीट ट्रेस्टल पुल, एक अंतरराज्यीय 55 के लिए और दूसरा राष्ट्रीय राजमार्ग 51 के लिए है। मानचेक स्वैम्प ब्रिज के रूप में जाना जाता है। यहाँ तक कि अगर भूत केवल एक कहानी है तो घड़ियाल इस क्षेत्र में एक बहुत ही वास्तविक खतरा पैदा करते हैं, क्योंकि यह एक प्रेतवादित दलदल को कवर करने के लिए कहा जाता है। वुहान में पहली एलिवेटेड मेट्रो लाइन वुहान मेट्रो ब्रिज है। ये 2004 से मेट्रो वायाडक्ट के रूप में उपयोग में है और यानेजी नदी पुलों पर यातायात की भीड़ को कम करने के लिए बनाया गया था। पोंचाटन कॉजवे झील, जिसे द कॉजवे के रूप में भी जाना जाता है, समानांतर जुड़वा पुलों से बना है और इसे पहली बार 1956 में बनाया गया था। इसे दुनिया के सबसे डरावने पुलों में से एक के रूप में जाना जाने का एक कारण ये है कि बीच से यह ऐसा प्रतीत होता है पुल हमेशा के लिए जा रहा है और आप किसी भी छोर पर जमीन नहीं देख सकते। इस सूची के कई पुलों में से पहला, जो बीजिंग शंघाई हाई स्पीड रेलवे का एक हिस्सा है, बीजिंग ग्रांड ब्रिज है, जो एक रेलवे पुल है। 2021 में सबसे हालिया टैली के समय अकेले चीन के पास 961 सड़क पुल है। बैमिना एक्सप्रेसवे थाईलैंड में एक बॉक्स गर्डर वाइडिक ब्रिज, 6 लेन एलिवेटेड रोडवे और टोल रोड है। इसे बुराफा विधि एक्सप्रेसवे के नाम से भी जाना जाता है। इसके निर्माण में $1 अरब का खर्च आया और 2008 तक ये दुनिया का सबसे लंबा पुल था। वेई नदी चीन के पश्चिम का प्राकृतिक प्रवेश द्वार वेनान वेहे ग्रांडे ब्रिज द्वारा पार किया जाता है, जो झेंगजो शियान हाई स्पीड रेलवे का एक खंड है। 2008 में समाप्त होने के बाद 2010 में रेल लाइन खोली गई थी। टियाजिन ग्रैंड ब्रिज, एक और पुल जो बीजिंग शंघाई हाई स्पीड रेलवे का एक हिस्सा है, 2010 में समाप्त हो गया था और 2011 में खोला गया था। कांगे ग्रैंड ब्रिज टियाजिन ग्रैंड ब्रिज की तरह ही बीजिंग शंघाई हाई स्पीड रेलवे का एक हिस्सा है। इसका निर्माण भूकंप जैसी भूकंपीय गतिविधि का सामना करने के लिए किया गया था और इसमें कुल 3092 पियर है। ताइवान हाई स्पीड रेलवे में चांगहुआ काओशुंग वायाडक्ट शामिल है। कांगे ग्रांडे ब्रिज की तरह वायाडक्ट का निर्माण भूकंपीय गतिविधि का सामना करने के लिए किया गया था, क्योंकि ताइवान दो टेक्टोनिक प्लेटों के मिलन बिंदु के करीब अपने स्थान के परिणाम स्वरूप भूकंपीय रूप से सक्रिय है। और दोस्तों, 164 किलोमीटर की चौंका देने वाली लंबाई के साथ चीन में दनयान कुशान ग्रैंड ब्रिज वर्तमान में दुनिया के सबसे लंबे पुल का खिताब रखता है। यह इस सूची में 4 में से एक है, जो बीजिंग शंघाई हाई स्पीड रेलवे का एक घटक है और पुल के प्रत्येक मील के लिए लगभग $8.5 बिलियन या $51 मिलियन में निर्माण किया गया था। दनयान कुशान ग्रैंड ब्रिज को न केवल भूकंपीय गतिविधि बल्कि गंभीर मौसम और यहाँ तक कि नौसैनिक जहाज से सीधे टकराने से बचने के लिए डिजाइन किया गया था। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब